कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कहां से आया ये खेल और कैसे हुई इसकी शुरुआत? जब बात खेल की आती है तो हम आम तौर पर देखते हैं कि भारत में क्रिकेट को बहुत लोकप्रिय माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ के लोग किसी और खेल को नहीं देखते या पसंद नहीं करते हैं। बता दें कि कई ऐसे खेल हैं जो न केवल हमारे देश में खेले जाते हैं बल्कि उनका जन्म भी हमारे देश में हुआ है। इन्हीं खेलों में एक खेल कबड्डी है। कबड्डी की लोकप्रियता हमारे देश में इतनी है कि लोगों के मुंह पर मुहावरे और ताने बनकर इसका नाम आने लगा है। आपने अपने आम जीवन में भी कई बार देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा बाहर से घर में आता है और उसकी हालत थोड़ी भी अस्त व्यस्त या गंदे कपड़े दिखाई देते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि कहाँ से कबड्डी खेल कर आ रहे हो। तो यह खेल सिर्फ लड़कों में ही नहीं बल्कि लड़कियों में भी काफी प्रचलित है। आइए आगे हम आपको बताते हैं कि इस खेल का इतिहास क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसके नाम से जुड़ी कुछ जानकारियां भी। कुछ भी आगे जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कबड्डी का इतिहास क्या रहा है। बता दें कि कबड्डी के इतिहास को लेकर भारत में इसकी प्राचीनता को वैदिक काल से जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस खेल का उद्भव स्थान भारत ही है। हालांकि इस खेल के उद्भव को लेकर ईरान के द्वारा भी यह दावा किया जाता है कि कबड्डी का उद्भव स्थान उनका देश ईरान है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में इसे प्रचलित बनाने का मुख्य योगदान तमिलनाडु और महाराष्ट्र का रहा है। इन दोनों राज्यों की वजह से ही आज के समय में भारत में कबड्डी को काफी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। यह एक लोकप्रिय खेल है। आपको बताते चले कि कबड्डी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस खेल का नाम कबड्डी मुख्य तौर पर उत्तर भारत में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर इस खेल को दक्षिण भारत में चेडू गुड्डू के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस खेल का अधिकतर लोग कबड्डी के नाम से जानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता लोगों के बीच उत्तर भारत के द्वारा दी गई नाम कबड्डी को लेकर ही है। आज के समय में इस खेल की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि इस खेल को पहली बार साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक में खेला गया था, जिसके बाद 1950 में बनाए गए ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन ने भारत में कबड्डी के नियम निर्धारित किए और साथ ही इस खेल को देश में आगे बढ़ाने की कई कोशिशें भी की। गौरतलब है कि साल 1972 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन को द एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। जानकारी के लिए बता दे कि कबड्डी लोगों के द्वारा इतना पसंद किया जाता है कि इसे न केवल भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में भी खेला जाता है। वहीं इस खेल को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ बड़ी प्रतियोगिताओं का भी है। साल 2004 से कबड्डी वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई। भारत में भी साल 2014 में कबड्डी से जुड़ी एक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसका नाम प्रो कबड्डी लीग रखा गया। इस खेल में भारत के पुरुषों के अलावा महिला खिलाड़ियों का भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही कबड्डी वर्ल्ड कप में भी दोनों ही भारतीय टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।